Good morning, friends. Let us continue with the discussion on the press release of 4 June 2019, which was clarifying some issues with regards to filing of GSTR 9. हमने पहले चार clauses जो A, B, C, D थे वो last video में discuss किए. Fifth जो clause E जो उन्होंने लिखा, उन्होंने ऐसा लिखा कि कोई भी outward supplies जो हैं, जो registered person ने GSTR 3B या GSTR 1 दोनों ही जगह declare नहीं किए, तो उसको कहाँ declare करना है? तो they have very clearly said that it needs to be declared in part 2. That is table number 4. ये हम लोगों ने पहले भी ये view लिया था और बहुत clear ये view लिया था. Reason क्या है? कि दो जगह outward supplies को दिखाया जा रहा है इस पूरे form में. पहला है part 2 यानी table 4 और दूसरा है part 5 यानी table 10 और 11. तो part 5 में केवल वही details आने वाली हैं जो 18-19 में 17-18 से related दिखाई गई हैं. और ये कहीं भी नहीं दिखाई गई है, GSTR 1 में भी नहीं और GSTR 2 में भी नहीं. यानी 2017-18 की डिटेल्स थी, आउटवर्ड सप्लाईज थी, जो 2017-18 में भी नहीं दिखाई गई, 2018-19 में भी नहीं दिखाई गई. और वो आज जब मैं एनुअल रिटर्न भर रहा हूँ या आज जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे पता चला कि ये जो लाइबिलिटीज थी या ये जो आउटवर्ड सप्लाईज थी ये आज की डेट में भी अनडिक्लेयर्ड है. उस सिचुएशन में मैं इनको टेबल नंबर 4 में दिखाऊंगा, यानी जो मेरा सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैं दिखाऊंगा, ना कि पार्ट नंबर 5 या टेबल 10-11. फिर क्लॉज एफ में जो उन्होंने इशू को क्लैरिफाई किया है, उन्होंने ये बोला है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं कि जीएसटीआर 9 में जो टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट होके डेटा आ रहा है, जीएसटीआर 1 से वो आ रहा है, वो डेटा में कुछ मिसमैच आ रहा है जीएसटीआर 3B की पेमेंट की डिटेल से. और वो बहुत ऑब्वियस है कि मान लेते हैं आपके 100 इनवॉइसेस थे, उसमें से 95 इनवॉइस आपने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया और 5 इनवॉइस आप भूल गए, लेकिन जीएसटीआर 3B में आपने पूरा टैक्स भर दिया. वो सिचुएशन में आपका मिसमैच आएगा क्योंकि टैक्स पेड ज्यादा बताएगा और जीएसटीआर 1 में जो आउटवर्ड सप्लाई से टैक्स की लायबिलिटी आएगी वो कम आएगी, टैक्स पेबल. बहुत सिंपल है, इसमें आपको GSTR 1 से क्या आ रहा है वो क्लैरिफाई ये किया जा रहा है इस प्रेस रिलीज में कि वो केवल आपको फैसिलिटेट करने के लिए दिया जा रहा है ऑटो पॉपुलेट करके, उसका और कोई लीगल बाइंडिंग या और कोई इंटेंशन नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेशन. अब जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से देखते हैं और उसमें अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको एडिट कर दें. वो एडिटेबल फीचर है, एडिटेबल फील्ड है कि आप उस GSTR 1 से जो ऑटो पॉपुलेट होकर डेटा आ रहा है आउटवर्ड सप्लाई में टेबल 4 में, उसको आप एडिट करके जो करेक्ट डेटा है जिसपे आपने टैक्सेस पेमेंट किए हैं वो आप शो करें. यानी यहां पे एक चीज और बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गई कि GSTR 9 बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिटर्न फाइल्ड, दोनों में से जो सबसे आप क्लोज हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या जो आपने GST रिटर्न्स भरे हैं वो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है रिटर्न्स भरे हैं कुछ छूट गया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप पकड़ेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट से आप ये GSTR 9 भरेंगे. यानी ओरिजिनली जब ये नोटिफाई हुआ था 39/2018 नोटिफिकेशन से, तो ये निष्कर्ष निकल रहा था, ये कंक्लूजन निकल रहा था कि GSTR 9 में कुछ भी एडिटिंग नहीं हो सकता, कुछ भी नई फिगर्स या नई लायबिलिटीज वहां से जनरेट नहीं हो सकती. जबकि अब वो इशू को रिजॉल्व कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि अब अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी फिगर ज्यादा हो, क्योंकि हमने जो क्लॉज ही देखा वहां पे भी यही था कि ना मैंने GSTR 1 में दिखाया ना GSTR 3B में दिखाया और वो लाइबिलिटी आज पकड़ में आ रही, तो क्या मैं सुधार सकता हूँ उसको GSTR 9 में? और आंसर था यस, वो आप टेबल नंबर 4 में दिखाइए और उसकी लाइबिलिटी टैक्स पेबल में आप बढ़ाइए, टैक्स पेड कम दिखेगा, जो डिफरेंशियल टैक्स आएगा वो आप GSTR 9 भरते समय GSTR 9 को लिंक करके, एनुअल रिटर्न को लिंक करके DRC 03 से आप पेमेंट कर सकते हैं. तो ये क्लॉज ई में बहुत क्लियरली दे दिया, इसका मतलब है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट से आप GSTR 9 को एग्जामिन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ना कि केवल रिटर्न से. रिटर्न में अगर कुछ छूट गया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आप उसको एक्यूरेसी पे ला सकते हैं. नेक्स्ट है क्लॉज जी, जो सातवां क्वेश्चन है, वो ही क्वेश्चन ये बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स को टेबल 8 में कहीं भी दिखाने की जगह नहीं है तो उसको कहां दिखाएं. तो ये क्लियर बोलता है कि जो जुलाई सितंबर से मार्च 19 तक जितना भी आपने दिखाया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो सारा का सारा आप 6E में दिखा दीजिए, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है इंक्लूडिंग SEZ सप्लाईज.
उसके अंदर आप टोटल फिगर्स को आप दिखा सकते हैं, और इसके अलावा जो रेस्पेक्टिव फिगर्स है वो आपकी टेबल 12, 13 में आएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट इन्होंने बोला है कि जो भी पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, एनुअल रिटर्न के समय में नहीं, ड्यूरिंग द ईयर DRC 03 से पे की गई है, वो GSTR 9 का पार्ट नहीं बनेंगी, वो डायरेक्टली GSTR 9C का पार्ट बनेंगी। इसको अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी पेमेंट्स डिपार्टमेंट ने कई बार डिटेन करके गुड्स को आपसे बोला है कि आप DRC 03 से उसकी पेमेंट कर दीजिए, और आपने DRC 03 से क्रेडिट या कैश में उसकी पेमेंट कर दी है, वो पेमेंट जो भी आपने 17-18 के बीच, यानी July 17 से March 18 के बीच में आपने DRC 03 से पेमेंट की है, ऑल दोज पेमेंट्स विल नॉट बी शोन, विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 9, रादर इट विल बी डायरेक्टली फॉर्म पार्ट ऑफ GSTR 9C, मीनिंग देयर बाई इट विल बी रिपोर्टेड ड्यूरिंग रिकन्सिलेशन इन 9C। फ्रेंड्स, ये डिस्कशन था जो 8 पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन आई हैं 4 जून 2019 की डेट में गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे क्लैरिटीज आनी बहुत जरूरी है या जिस पे कन्फ्यूजन्स हैं। उसमें से पहला मुद्दा जो मुझे ध्यान आता है वो है रिवर्स चार्ज का। मान लेते हैं कि 2017-18 में आपको रिवर्स चार्ज का कोई लायबिलिटी था, लेट से एडवोकेट से आपने कोई सर्विसेज ली जिसकी रिवर्स चार्ज की आपकी लायबिलिटी अराइज हो रही थी, जो आपने 17-18 में पेमेंट नहीं की, 18-19 में भी पेमेंट नहीं की, और आज 19-20 में वो आपको पता चला कि उस पर आपको रिवर्स चार्ज भरना रह गया, उस सिचुएशन में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि पहले उसकी पेमेंट कैसे करें, दूसरी कि वो पेमेंट करने के बाद कहां दिखाएं, और वो पेमेंट करने के बाद क्या हम ITC ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां ये ध्यान रखना है कि जो लॉ का प्रोविजन है, जो प्रोविजंस हैं GST लॉ में, वो ये बोलते हैं कि जब भी आप कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से प्रोक्योर करते हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सर्विसेज लेते हो जिसपे आपकी RCM की लाइबिलिटी आती है, चाहे वो 9-3 हो 9-4 हो, उसमें आपको सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी है। तो आप अपने ऊपर आप इन्वॉइस बनाएंगे और उसकी पेमेंट करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज की डेट में 17 जून 2019-20 में आपको पता चला कि 17-18 का एडवोकेट का कोई आपने 1,00,000 का पेमेंट किया था जिसकी 18,000 रुपए की रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है जो आपने पे नहीं की, तो आज की डेट में आप सेल्फ इन्वॉइसिंग आपकी करिए। ये एक ऑप्शन है जो मेरा व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आज की डेट में आप इन्वॉइसिंग करिए। और GSTR 9 ये बहुत क्लियर है कि जिस डेट का डेट डॉक्यूमेंट होगा उस डेट के या उस पीरियड के GSTR 9 में वो फिगर्स जाएंगे। यानी अब आपने 19-20 में वो सेल्फ इन्वॉइस बनाया और उसका पेमेंट किया तो आप उसकी क्रेडिट 100% ले सकते हैं। इशू ये आता है कि क्या उस पर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगी, बिकॉज आपको तो 17-18 में पेमेंट करना था, पेमेंट आपने 19-20 में किया, तो फ्रेंड्स यस, द इंटरेस्ट लायबिलिटी विल बी देयर, क्योंकि ये एक्चुअल पेमेंट आपको 17-18 में करना था टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से, जो आपने 19-20 में किया, एंड देयरफॉर आपको उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ये जो पेमेंट्स मैंने की, इन पेमेंट्स को एनुअल रिटर्न में क्या मुझे कहीं शो करना है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं बोलूंगा कि अगर आपको एनुअल रिटर्न में शो करना है तो 10, 11, 12, 13 के कॉलम में तो आप ये शो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 18-19 में उसका पेमेंट नहीं किया, आपने उसका पेमेंट किया है 19-20 में। अब मैं वापस आपको क्लॉज ई में जो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर कोई सप्लाईज आपकी छूट गई और आज पता चला तो आप उसको Table 2 में दिखा दीजिए, यानी Part 2 में Table 4 में दिखा दीजिए, और उसकी पेमेंट एडिशनल लायबिलिटी जो Table 9 है उसके हिसाब से आप उसमें टैक्स पेबल को बढ़ा के DRC 03 से पेमेंट कर दीजिए। क्या ये सेम एनालॉजी रिवर्स चार्ज में भी एप्लीकेबल हो सकती है? फ्रेंड्स, इसमें मेरा इतना कहना है कि अगर आप चाहो तो Table 4 में जो इनवर्ट सप्लाईज की बात कर रहा है उसमें इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज इस पेबल, उस कॉलम में आप इसको ऐड कर सकते हो, और टैक्स पेबल में ऐड करके आप उसको DRC 03 से पे कर सकते हो। बट वहां पे एक ही सवाल अटकेगा कि क्या आप उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, क्योंकि रिवर्स चार्ज में जैसे सर्विस टैक्स रिजीम में जो मुझे ध्यान है, चलन वॉज द डॉक्यूमेंट ऑन विच क्रेडिट वॉज अवेलेबल, बट इन GST द
that invoice, self invoice is the document on which credit is available. तो अगर आप self invoice back date में बना रहे हैं तो बात अलग है. अदरवाइज अगर आप आज की डेट में सेल्फ इनवॉइसिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से उसको जीएसटीआर 9 में अगर आप शो नहीं करेंगे 17-18 के तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. इसके अलावा फ्रेंड्स और भी काफी इश्यूज हैं, काफी क्वेरीज हैं, जो क्वेरीज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. इस वीडियो में और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो 8 क्वेश्चंस के क्लैरिफिकेशंस, क्वेरीज के क्लैरिफिकेशन जो गवर्नमेंट में दिए वो डिस्कस किए, और एक आरसीएम का इशू जो मुझे लगता था बहुत रेलेवेंट है वो डिस्कस किया. सो आई एम ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर पेशेंस हियरिंग. थैंक यू वेरी मच.